तो दोस्तों आज का ये जो प्लॉट है इसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, और अगर आपको सारी सूचना प्राप्त होगी, एक एक छोटी छोटी डिटेल अगर आपको पता होगी, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और इसको ले पाएंगे। क्योंकि इस प्लॉट में एकाध कमियां भी हैं और खूबियां भी बहुत सारी हैं। जो कमी है वो वीडियो के लास्ट में हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है? वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज का ये जो प्लॉट है वो सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोगों के लिए क्यों है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले लोकेशन की, ये लोकेट कहाँ पे करता है। प्लॉट का भी प्रीव्यू आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए लोकेशन के हिसाब से ये जो एरिया है ये पड़ता है नागलोई रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में, इसे आप स्टेशन ब्लॉक भी कह सकते हैं। और यहाँ से आपको अगर नागलोई जाना है तो आप पैदल ही जा सकते हैं, किसी बस या किसी रिक्शे की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ से मात्र और मात्र ये समझ लीजिए 5 मिनट की दूरी पर नागलोई रेलवे स्टेशन है, और मेट्रो स्टेशन 2 मिनट और बढ़ा लीजिए, इतना ही पड़ेगा। यानी कि 10 मिनट के अंदर आप नागलोई मेट्रो स्टेशन भी ऑन फुट पैदल चले जाएंगे, और 10 मिनट के अंदर आप जो बस स्टैंड है नागलोई का, जो रोहतक रोड है, वहाँ पर चले जाएंगे। तो लोकेशन के हिसाब से बिल्कुल फिट जगह है। तो दोस्तों चलिए प्लॉट की तरफ चलते हैं, और आपको जो है कि चलते चलते प्लॉट की तरफ सारी चीज़ें बताते चलूँगा मैं। ये हम नागलोई की तरफ, यहाँ से मतलब नागलोई की तरफ जाएंगे हम, और नागलोई तरफ से आप इधर जब आओगे तो जब यहाँ जाना है आपको प्लॉट की तरफ, तो ये रोड आपको मिलेगा जो कि 20 फुट का रोड है, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं अब फैसिलिटीज़ की। तो आपको बता दूँ कि फैसिलिटी के नाम पर यहाँ पर आपको सीवर लाइन की कमी है, और ड्रिंकिंग वाटर जो दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन बिछी है उसके थ्रू आता है। तो दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन के थ्रू पानी मिल जाएगा आपको पीने के लिए, और जैसे कि आप देख सकते हो सीवर के पाइप आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे गिरे हुए। तो सीवर का काम भी प्रेम नगर में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, और आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से 2023 की डेडलाइन है, तो 2023 में जो है कि ये काम पूरा हो जाएगा, ठीक है? ये नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले जो है कि सीवर के पाइप हैं जो टूटते फूटते नहीं है, चाहे इन पर कितना भी लोड डालो आप, ठीक है? तो 20 फुट का ये रोड है, और यही रोड जो है सीधा पहुंचेगा हमारे प्लॉट के पास। देखिए जो सामने दुकान दिख रही है वहाँ से भी हम जा सकते हैं, लेकिन हम जो है कि आपको इस तरफ से ले चलेंगे जहाँ से पैदल शोरगुल ज़्यादा ना हो, ठीक है? तो 20-25 फुट का रोड है, वो 20 का, ये 25 का है। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि सीवर लाइन का काम तो चल ही रहा है, दिल्ली जल बोर्ड की ड्रिंकिंग वाटर है ही, उसके साथ साथ जो है कि यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ स्कूल की कॉलेज की, तो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल आपके प्लॉट के बगल में ही है, ठीक है? बगल में ही गवर्नमेंट का एमसीडी का प्राइमरी स्कूल है, और अगर हम बात करें सरकारी स्कूल की, जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो बड़े स्कूल हैं 12वीं तक, तो यहाँ पर नागलोई में 3-4 हैं, और उसके साथ ही यहाँ पास पड़ता है, ये दोनों जगह से बराबर पड़ेगा, निठारी से भी, नागलोई से भी, सुल्तानपुरी से भी, तीन जगहों से। तो आसपास तीनों जगहों पर बहुत सारे स्कूल है, मतलब एक दो नहीं है, बहुत सारे स्कूल, हर ब्लॉक में लगभग आपको एक स्कूल मिल जाएगा गवर्नमेंट का, सुल्तानपुरी में तो खैर। और कुल मिला जुला के एजुकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी हैं, चाहे वो आपके यहाँ पर अकाउंटेंट की तैयारी करनी हो, या साइंस साइड से कोई तैयारी करनी हो, या फिर आपको CA के लिए तैयारी करनी हो, हर चीज़ की जो है कि व्यवस्था आपको यहाँ मिल जाएगी। और जैसे कि आप देख सकते हो बसावट पूरी है, बसावट जो है पूरी है, बढ़िया बढ़िया घर भी बन रहे हैं आप देख लीजिए, और इन्हीं बसावट के बीच आपको प्लॉट मिलेगा। देखिए बिल्कुल साफ सुथरा माहौल है, ऐसा नहीं है कि लोकेलिटी जो है ख़राब है, ऐसा भी नहीं है। देखिए धीरे धीरे आ रहा हूँ ताकि जो है कि पूरा जो लुक है एरिया का वो आपको मिल जाए, और प्लॉट का लुक फाइनली, चलिए फटाक से चलते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, और उसका भी लुक ले लेते हैं। तो दोस्तों हम जो है वहाँ से जो रिक्शा दिख रहा है उस गली तक बात करते हुए आए हैं, और वहाँ से जो है कि यहाँ पर आप देख लीजिए प्लॉट हमारा यहाँ पर है, ठीक है? अभी मैं आपको प्लॉट दिखाता हूँ, पहले लोकेशन को समझ लेते हैं। यहाँ से हम आए हैं, सीधा ये रोड जाता है किराड़ी चौक पे, और ये आपका मंदिर है सामने,
और इधर अगर जाएंगे तो देखिए ये सीधा रास्ता जाता है आपका नागलोई रेलवे स्टेशन पे। नागलोई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे निकलेगा ये सीधा रास्ता, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सीधा सीधा है, कहीं नहीं मुड़ना, सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुँचेंगे आप। तो नागलोई मेट्रो स्टेशन मात्र 100 मीटर की दूरी पर यहाँ से, और अगर रोहतक रोड की बात करेंगे तो वो 200-250 मीटर वो जोड़ लीजिए, आधे किलोमीटर के दायरे में सब कुछ है, ठीक है। प्लॉट आपका यहाँ पर है, देखिए ये किराड़ी की तरफ से हम आते हैं और नागली की तरफ से भी अगर आप आना चाहो तो जो जहाँ पे मैं खड़ा था अभी, जहाँ पे मैंने आपको ट्रांसपोर्ट दिखाया, वहाँ से जो है कि आप आओगे तो इधर से आओगे और फिर यहाँ पहुँचोगे। तो हमारा जो प्लॉट है वो यहाँ पे, देखिए इसी प्लॉट की मैं बात कर रहा था, देखिए ये प्लॉट है अपना, आप देख सकते हो 30 फुट की यहाँ पे आपको लंबाई मिलेगी, 30 फुट की चौड़ाई मिलेगी, 30 बाई 30 का प्लॉट है। बगल में मैं इसी प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा था, देखिए ये जो प्राइमरी स्कूल है बगल में, सरकारी एमसीडी स्कूल है 5वीं तक का, इसी की बात कर रहा था, इसकी बाउंड्री है ये बगल में यहाँ पे। और हमारा जो प्लॉट है अभी, क्योंकि खाली पड़ा है तो गाड़ियाँ खड़ी हो रही है यहाँ पे, तो मैं वहाँ से कोने से आपको दिखा रहा था, ठीक है। तो वहाँ से ये जो कॉर्नर का प्लॉट है, ये वाला आपका प्लॉट है, ठीक है। इसमें आपको इस मकान से सटा हुआ 30 फुट का फ्रंट मिलेगा और 30 फुट की ही गहराई मिलेगी। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, एक बार मैं प्लॉट को और अच्छी तरीके से आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब आपको प्लॉट भी आपने देख लिया, एक बार फ्रंट कैमरे से आपको समझा देता हूँ। देखिए ये 15 फुट की गली है, ठीक है, और इस मकान के साथ में आपका ये प्लॉट होगा जो कि 30 फुट का फ्रंट होगा, 30 फुट की गहराई होगी। और आप देख सकते हैं 15 फुट का रोड यहाँ पे बंद है तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं मिलेगा। हाँ, अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो सबसे जो मन में गुदगुदी मछली होगी वो प्राइस के लिए ही मछली होगी कि भाई ऐसा आपने वीडियो के शुरू में बोला कि मतलब ज़बरदस्त प्राइस में मिलने वाला है कि दंग हो जाएंगे हम भी सुन के, ऐसा क्या है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्राइस है प्लॉट्स के पर गज के हिसाब से प्रेमनगर में, वो आपको 35 से 40 हज़ार पर गज के आसपास पड़ता है। किसी भी गली में आप चले जाओ, फुल बसावट होती है सारी गली में, सारी सुविधाएं हैं, सीवर लाइन भी बिछ रही है, एक नंबर की कॉलोनी बन जाएगी आने वाले टाइम में। तो ये जो प्लॉट आपको मिलेगा, ये आपको जो करंट में रेट चल रहा होगा उसके आधे के आसपास मिलेगा। आधे के आसपास का मतलब समझ जाइए कि बहुत ही सस्ता मिलेगा। और उसका कारण क्या है ये भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कल को कहेंगे कि भाई वर्मा जी वीडियो बनाते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इसका जो मेन कारण है वो ये है कि बगल में अगर मेरे पीछे आप देखें, ये जो दीवार है ये वाली, ठीक है, ये दीवार शमशान घाट की दीवार है, ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि आपको बात सारी क्लियर करवाना चाहता हूँ मैं। शमशान घाट के पास की दीवार का ये प्लॉट है, जैसे दीवार पीछे शमशान घाट की लगती हुई है, इसी में आपको 30 फुट का फ्रंट, यानी यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से इस कोने से लेकर वहाँ तक आपको 30 फुट के फ्रंट से 100 गज का प्लॉट मिल जाएगा। दोस्तों ये प्लॉट वही लोग ले सकते हैं जिनको शमशान घाट से कोई समस्या नहीं है या शमशान घाट से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्लॉट शमशान घाट की दीवार से टच होता है तो इसीलिए बहुत सस्ता मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप आइए रहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास करते हैं कि भाई घर जो है शमशान घाट के पास नहीं होना चाहिए, लेकिन घर के लिए नहीं, अगर फैक्ट्री के लिए ढूंढ रहे हैं जगह तो इससे सस्ती जगह और कोई नहीं हो सकती। यकीन मानिए ये जो प्लॉट है वो फैक्ट्री के लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप रहने में आप थोड़ा बहुत संकोच करेंगे, डाउट करेंगे, हालांकि फैमिली रह रही है, देखिए घर बना हुआ है कोने पे, लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि इस शमशान घाट के चारों तरफ, किसी एक तरफ की बात नहीं कर रहा, चारों तरफ लोग बकायदा मकान बना के रह रहे हैं। तो ये मैं सोचिएगा कि आप अकेले यहाँ पे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, चारों तरफ लोग रह रहे हैं और पूरी तरह से बसावट है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भाई इस माहौल में रह पाएंगे, यानी कि शमशान घाट को देखते हुए भी रह सकते हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्राइस आपको हाफ के आसपास मिलेंगे, या हो सकता है हाफ भी मिल जाए, क्योंकि बहुत ही सस्ते में आया है और अगर इस पे आपने मौके पे चौका लगाया तो लाइफ सेट है।
मैं खड़ा हूँ, नावली रेलवे स्टेशन है। बहुत बड़ा स्टेशन है, कोई छोटा मोटा स्टेशन नहीं है। पहले आपको बता दूँ, यहाँ से देश के हर कोने में ट्रेनें जाती हैं। और यहाँ से सामने जहाँ से मैं आया हूँ, वो देखिए सामने रोड है, उस रोड से जो है कि मात्र 100 मीटर की दूरी पे, 100-150 मीटर की दूरी पे आपका प्लॉट है। तो स्टेशन देख लीजिए, फाटक देख लीजिए, वो रहा फाटक। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए वहाँ पे गाड़ियाँ पास आउट हो रही होंगी फाटक से। तो इस फाटक से ही समझ लीजिए कि बस 150 मीटर की दूरी पर ही जो है कि आपका मेट्रो स्टेशन है। तो इसलिए आपके लिए ये प्लॉट, अगर आप सोच पाएँ कि भाई शमशान घाट के पास है फिर भी इसमें रह सकते हैं या फिर फैक्ट्री डाल सकते हैं, तो बेस्ट रहेगा।